तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो देखिए अब तक हम लोगों ने इसके जितने भी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ, तो वहाँ से भी आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और देखिए इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी फिनिश कर दिया है और ज्योग्राफी का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देखते चलना। और इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एसएससी जेई में तो उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, आपको सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और हमने आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का, और बाकी जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं जैसे ज्योग्राफी का, तो इसका जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और आप लोग स्टडी करते रहिए, हम एग्जाम से पहले अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है ख़त्म करा दे जीके और जीएस का। तो चलिए हम बात करते हैं आज के लेक्चर का। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, किस तरीके से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर से उनका रिमूवल होती है, और आज जो है हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है ह्यूमंस अपना जनरेशन जो है कैरी ऑन करते हैं, यानी कि अपना एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन तक किस तरीके से वो ले जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपना वंशज को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन फिनोमिना को परफॉर्म करते ही है करते ही। तो इस तरीके से नेचर में आप देखिएगा तो जो रिप्रोडक्शन टाइप होते हैं तो ये बहुत सारे टाइप से होते हैं। तो बेसिकली आपने दो दो का आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ह्यूमन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है, जिसमें कि मेल और फीमेल का दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी होती है। फिर उसके बाद उन दोनों का जैसे कि एक जो रहता है तो आपस में जब फ्यूज करेगा तो उसी के बाद फिर है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर लेटर स्टेज में वही जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और फिर 9 मंथ्स के बाद फिर बेबी का या फिर जो बच्चे जो भी होता है तो उनका डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है दो इंडिविजुअल्स के मिलने के बाद, जैसे मेल और फीमेल जो है, तो इनके चलते जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है तो उनके अंदर में एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो आती है तो ये मेल और फीमेल यानी कि दोनों पेरेंट्स से आती है। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे कोई भी चाइल्ड है तो उसके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक जो इनहेरिट होते हैं तो वो अपने या तो फादर या मदर दोनों से अपना कुछ ना कुछ वो इनहेरिट करके आता ही है, भले उसका थोड़ा हल्का फुल्का आपको चेहरा हो जाए उसका मिलता जुलता आपको दिखाई देता होगा, या फिर उसका कलर ही हो गया जो इनहेरिट करके आता है, तो ये एक नेचुरल सा फिनोमिना है। तो देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं तो इनका प्राइमरी फंक्शन होता है सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना। अब देखिए मेल के अंदर में जैसे कि यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और फीमेल के अंदर में ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो यही जो जो सेक्स सेल्स होते हैं मेल और फीमेल का जब ये यूनाइट करेंगे तो एक ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होती है, और यही जो ग्रो करेगी और लेटर स्टेज में इनका डेवलपमेंट होगा और फिर बेबी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए जो स्पर्म सेल जैसे मैन के अंदर में ये प्रोड्यूस होती है तो इसके प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। और वहीं पे देखिए जो ओवम का जो डेवलपमेंट होता है जैसे कि ये फीमेल के अंदर में होती है जो कि ओवरीज ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो ओवम का डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ये फीमेल है तो इसका जो ओवम है और यहाँ पे मेल है इसका जो स्पर्म है, तो ये जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और लेटर स्टेज में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और यही जो एम्ब्रियो है ये मदर के जो वोम्ब रहते हैं तो वहाँ पे ये अपना नर्चर करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्पर्म है स्पर्म का जो प्रोडक्शन होती है इसका जो प्रोसेस है तो ये एक कंटिन्यूअस फिनोमिना होती है, ये मेल के जो टेस्टिस होता है उसके अंदर में ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस ये होते रहते हैं। अब देखिए कोई भी जैसे स्पर्म है तो उसके अंदर में मिलियंस ऑफ स्पर्म होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी ये वो रिलीज करता है स्पर्म अपने रिलीज करता है तो उसके अंदर में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होना चाहिए, तभी वो जाके वहाँ जो फर्टिलाइजेशन वो कर सकता है। अगर इससे यानी कि इससे कम रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो देखिए जो ओम है यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है फीमेल के अंदर में, तो ये जब फ्यूज करती है स्पर्म सेल के साथ में तो इसका फिर लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन होता है, और ये देखिए जब हो जाता है जिसके बाद फिर एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट का बिगिन होना शुरू हो जाती है इन दोनों का। तो ये सिनोफिना जो भी है यहाँ पे तो ये चीज़ हम लोग लेटर ऑन स्टेज में जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो ओवम होती है जो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होती है तो ये जब फर्टिलाइज हो जाती है तो इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स उसके होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए जो फीमेल का जो एक रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये आप फिगर में आप देख सकते हैं। तो देखिए जो ओवम है यहाँ पे, जैसे ये ओवरी होती है तो यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होती है इसी के अंदर में। अब यही जो ओवम है फर्टिलाइज करती है जाके फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर में, जैसे ही मेल का जो स्पर्म है जो इंटर करता है वेजाइना के थ्रू, तो वो आके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जो स्पर्म है ओवम के साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है तो इसी के अंदर में फर्टिलाइजेशन फिनोमिना होती है, और फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूटेरस में आके यहाँ पे जो बेबी का यानी कि जो इम्ब्रो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो इसके देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके जो मेन मेन ऑर्गन्स है, तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका देखिए जितना भी दिया हुआ है दिया, आप लोग नोट करते चलना इसको अच्छे से। तो देखिए पहला है लेबिया मेजोरा है, तो ये एक लार्ज लिप लाइक एक स्टर्नल एक स्ट्रक्चर होता है कि जो कि जितने भी अदर रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल के तो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा है लेबिया माइनोरा है, तो ये एक स्मॉलर लिप लाइक ये भी एक स्ट्रक्चर होते हैं कि जो कि ये लेबिला मेजोरा के अंदर में ही ये रहते हैं। तो ये भी जैसे कि और भी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके अंदर में, जैसे कि क्लेटरस हो गया, यूथरा हो गया, और जो वेजाइनल ओपनिंग्स हो गया, तो इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है लेबिया माइनोरा है। अब उसके बाद फिर देखिए जो वेजाइना है तो ये एक फाइब्रस मस्कुलर कैनाल होता है, जिसके ये क्या होता है कि इसका जो पाथ है ये सर्विक्स तक होती है। तो यहीं से क्या है कि जो जेनेटल कैनाल इसको बोलते हैं हम लोग, यहीं से जो है स्पर्म इंटर करती है। अब इसके बाद देखिए इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी बोला जाता है। फिर देखिए अगला है सर्विक्स है, तो ये होता है यूटेरस का ओपनिंग, यानी कि यूटेरस वो एक है जहाँ पे जो बेबी है यानी कि जो इम्ब्रो है वो जहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो यूटेरस का जो ओपनिंग है तो वो सर्विक्स से ही स्टार्ट होती है। तो ये देखिए एक तरीके से ये एक नैरो स्ट्रक्चर होता है कि जो कि ये एक्सपैंड भी कर सकता है, और यही से जो स्पर्म है इंटर करती है यानी कि वेजाइना के थ्रू जो यूटेरस में आके इंटर करेगी, और फिर यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर में आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का। तो ये सारा चीज़ आप लोग नोट करते चलना है एक ही एक इसको। फिर नेक्स्ट देखिए यूटेरस है, तो देखिए जो यूटेरस है ये भी एक इंटरनल ऑर्गन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक वो जगह है जहाँ पे जो फिटस है यानी कि जो फीमेल गैमेट्स है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है उसके, और यहीं पे उसका नर्चर होती है। नर्चर कहने का मतलब है कि उसको जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है तो वो यूटेरस के अंदर में ही मिलती है, और यहीं पे जो है जो फिटस है उसके डेवलपमेंट होती है पूरे 9 मंथ का ड्यूरेशन का। अब यहाँ पे देखिए इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है जिसको कि वोम बोला जाता है, यानी कि इसको कोख बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो फिटस है जो कि डेवलपमेंट होती है पूरे 9 मंथ तक का ड्यूरेशन में, तो इसके थ्रू यहाँ पे एक प्लेसेंटा रहती है कि जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहती है फिटस। तो यहीं से जो है ये जितने भी इसके अंदर में बहुत सारे जो अनएम्बिलिकल टाइप के बहुत सारे जो कोड होते हैं एक तरीके से, जो कि यूटरिन वॉल से और फिटस से बीच के बीच में इनका कनेक्शन रहती है, तो इसी के थ्रू जो है जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है मदर से जो अनबोर्न चाइल्ड होते हैं तो उनको मिलती रहती है। तो ये प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तो इसको आप लोग याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लेसेंटा क्या होती है, तो ये एक तरीके का टेम्पररी ऑर्गन होता है कि जो डेवलपिंग जो फेटस होता है मदर के वोम के अंदर में, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड रहती है कोड के थ्रू, जिसके थ्रू क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो मिलते रहती है अनबोर्न बेबी को। फिर उसके बाद देखिए अगला है फेलोपियन ट्यूब है, तो देखिए जो फेलोपियन ट्यूब है तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन फिनोमिना होती है, यानी कि यहाँ पे ओवरी है तो ओवरी से जो भी फर्टिलाइज जो एग होते हैं तो वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर में आएगा, और बाकी जो मेल का जो स्पर्म होता है तो वो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर में आएगा, और यहीं पे जो है फिनोमिना होती है फर्टिलाइजेशन का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो फर्टिलाइज जो एग होते हैं, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर में आती है तो ये ओवरी से यहाँ से रिलीज होके हुए आती है। अब देखिए यहाँ पे ओवरीज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन है यहाँ पे, तो ओवरी जो है तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है फीमेल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यदि हम बात करते हैं, तो यहीं पे देखिए जो है फीमेल गैमेट्स का यानी कि जो एग है वहीं पे इसका प्रोडक्शन होती है, और यहीं पे जो है जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल का इनका भी यहीं पे प्रोडक्शन होती है। तो देखिए जो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन्स होती है तो ये आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टोरेन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे जो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन्स है तो वो दो कौन सा है, तो ये तो आपका एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोरेन हो गया, लेकिन ये कहाँ पे इनका जैसे ये रिलीज होती है दो सेक्स हार्मोन जो है, तो ये ओवरी के अंदर में ही यहीं से रिलीज होती है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। अब देखिए ये जो ओवरी है तो ये दोनों साइड यूटेरस के दोनों साइड, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये दोनों साइड के प्रेजेंट रहती है, तो दो ओवरी प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आप लोग इसको भी याद रखना।
अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स विथ द ओवम टेक्स प्लेस इन द, यानी कि जो स्पर्म है और जो ओवम है तो इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। तो आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए इसमें आपके दिया, आपका यूटेरस है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है और ओवरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन जो होती है स्पर्म का, जो कि मेल से रिलीज होके आती है, और जो फीमेल का जो ओवरी से, जो यहाँ पे ओवम में रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब के अंदर में आएगी और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है इनके। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको एक एक टर्म को और एक एक चीज कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको नोटिस करते जाना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन द ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइज एग्स गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ दी। तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन जो एग होती है फर्टिलाइज होने के बाद, जैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में। तो अब जो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो एग है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है इनका, तो फिर वो आके कहाँ पे आके जो है कि इम्प्लांट हो जाती है, तो ये यूटेरस के अंदर में आके यहीं पे जो है इम्प्लांट हो जाएगी और यहीं पे जो है जो फिटस है उसका डेवलपमेंट होगा और अप टू 9 मंथ का ड्यूरेशन में इनका पूरा तरह से जब डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर जो है जो बेबी है वो फिर इनका जैसे कि रिप्रोडक्शन हो जाती है बाद में जब उसको, जब वो बाहर दुनिया में आती है। तो इस तरीके से ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है तो ये एक सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक एक चीज को अच्छे से नोटिस करते जाना है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे आके जो है फर्टिलाइज एग जो है इम्प्लांट हो जाती है, तो वो यूटेरस के लाइनिंग में आ जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था, तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के वो हमने देखा था। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो इसके देखिए जो मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसके जो मेन जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो पहला देखिए पेनिस है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन होता है कि जिसके अंदर में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि इरेक्शन करने में यही मदद करते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज और स्किन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देखते चलना। अब देखिए यहाँ पे एक यूरेथ्रा रहता है, तो यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन और जो स्पर्म है दोनों ये कॉमन पासेज होता है और यहीं से जो बाहर रिलीज होते हैं। तो देखिए ये आपको मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपको बताया था कि जैसे जो मेल है तो उसके अंदर में एक कॉमन पाइप होती है जो यूरेथ्रा है, जिसके थ्रू स्पर्म और यूरिन दोनों जो है कॉमन पासेज होते हैं। तो यूरेथ्रा ही है जो पेनिस की लेंथ को स्ट्रेच करके उसको लेंथ को बढ़ा देती है। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिस है। तो ये एक मेल का एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस। अब यहीं पे देखिए जो मेल गैमेट्स यानी कि जिसको स्पर्म बोला जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन जो है इसी में होती है टेस्टिस के अंदर में ही, और यहीं से जो है कि जो फिर जो सेक्स हार्मोन्स है मेल का जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, तो यहीं पे इसका फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है फीमेल वाले में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कौन सा वो सेक्स है जो सेक्स हार्मोन से जो फीमेल के लिए कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है, तो वो उसका आपने देखा था कि ओवरी है। तो और उसके कौन कौन से जो सेक्स हार्मोन से फीमेल के लिए, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका। तो उसी तरीके से आपसे मेल के भी पूछा जाता है कि इसके जो सेक्स हार्मोन से मेल के, तो उसका नाम क्या है, तो इसका है टेस्टोस्टेरोन, और इसका कहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो ये टेस्टिस के अंदर में होती है और यहीं पे मेल गैमेट्स के भी यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होती है। तो ये दोनों चीज आपसे पूछा जाता है। अब देखिए फिर अगला देखिए स्क्रोटम है। तो अब ये जो टेस्टिस है, तो ये एक एक्सटर्नल एक पाउच लाइक जो एक स्किन होता है, तो इसी के अंदर में जो है टेस्टिस लोकेटेड होती है। तो ये आप फिगर में भी यहाँ पे आप देखते चलना साथ साथ में। अब देखिए जो ये स्क्रोटम है, तो ये शरीर के बाहर एग्जिस्ट करती है। अब देखिए ये इसलिए बाहर रहती है क्योंकि देखिए शरीर के अंदर वो रहेगा तो वहाँ पे उतनी उसको टेम्परेचर, यानी कि जितनी टेम्परेचर उसके लिए चाहिए सर्वाइव करने के लिए, या फिर जो जो मेल का जो स्पर्म होता है उसका स्पर्म को डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो वो बॉडी के अंदर में नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जो है ये बाहर रहती है, यानी कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी के आउटसाइड लोकेट रहती है, यानी कि अबडोमन को वो बाहर रहती है, ताकि उसके लिए जो निश्चित टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है उसके लिए। तो यदि वो बॉडी के अंदर रहेगा तो वहां पे फिर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे उतने जो डिजायर टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर जो है तो वो उसको नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए देखिए जो स्क्रोटम होती है वो बाहर रहती है बॉडी का, और ये चीज आपने नोटिस भी किया होगा, आप लोग देखे भी होंगे। तब ये फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका जो फिगर में आप यहाँ पे है, तो यही लोअर टेम्परेचर जो है नेसेसरी होते हैं प्रॉपर स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए इपिडिमिस है। तो इपिडिमिस आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इपिडिमिस है। तो ये एक सिस्टम ऑफ डक्ट्स होते हैं जो कि
इमेच्योर स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर में जो जिनका प्रोडक्शन होती है तो उनको ये रिसीव करता है। तो देखिए इपिडेमिस का फंक्शन होता है कि जैसे जो इमेच्योर जो स्पर्म होते हैं तो उसको डेवलप करना और फिर उसको मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट कर देना। तो यही देखिए जो मैच्योर स्पर्म रहते हैं तो इसी के अंदर में रहती है। फिर इसके बाद देखिए जो मैच्योर जो स्पर्म रहते हैं तो वो फिर एक पाइप के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूब होता है जिसको कि हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं, तो ये एक ट्यूब होता है कि जिसके थ्रू जो है कंटिन्यूअसली जो स्पर्म होते हैं यहाँ से, जैसे कि इपिडेमिस से, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है स्पर्म को कैरी करने के लिए। यानी कि इपिडेमिस से अब क्या होगा कि जो स्पर्म जो है इसी जो वास डिफरेंस के थ्रू जो है यूरेथ्रा तक ये रीच करती है, और फिर यूरेथ्रा के बाद जो है तो जो बाहर से फिर रिलीज होता है स्पर्म एक रिलीज हो जाती है। तो यूरेथ्रा फिर क्या हो गया यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये एक ट्यूब होता है कि जो एक्सटेंड करता है यूरिनरी ब्लैडर से लेके पेनिस तक, और यहीं से जो है रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे स्पर्म जो है और एक जो होता है आपका यहाँ पे कि जैसे यूरिन है, तो दोनों एक ही पास से ये पास होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो यहाँ पे एक स्प्रिंस्टर मसल्स होती है जो कि ये एक कंट्रोल करता है दोनों को, यानी कि ये जो है यही प्रिवेंट करता है यूरिन को, जब अगर सीमेन पास कर रहा होगा जिस समय तो उस समय जो यूरिन को वो प्रिवेंट कर देगा, उस समय पासिस नहीं होगा। तो ये स्प्रिंस्टर्स होते हैं, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था वास डिफरेंस के बारे में कि जो कि ये एक ट्यूब होता है जिसके थ्रू जो है एपिडेमिस से जो स्पर्म है फिर ये बाहर आती है यूरेथ्रा को देती है। तो जब देखिए जब जो मेल का यदि मेल को जब स्टरलाइज की जाती है, यानी कि मेल को यदि मान लीजिए उसको नपुंसक बनाया जाता है, तो उस समय इस वास डिफरेंस को ही कट कर दिया जाता है, इसी को ही जैसे कि इसी ब्लेड के थ्रू जो है इसको कट कर दिया जाता है। तो अब क्या है कि सिंस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, तो अब जो सीमेन है जो फॉर्मेशन टेस्ट इसके अंदर में तो होगा, लेकिन फिर इसको कोई कॉमन पासेज ही नहीं है कि जिसके चलते जो है स्पर्म जो है यूरेथ्रा से वो बाहर निकल सके। तो यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव में, जैसे कि अगर उसको स्टरलाइज किया जाता है यानी कि उसको जब नपुंसक बनाया जाता है तो इसी वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए है कि डैश कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस, तो देखिए टेस्टिस से स्पर्म कौन बाहर कैरी करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ ओविडक्ट, वास डिफरेंस, यूटरस और यूरेथ्रा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन टू हो जाएगा। यानी कि जो टेस्टिस से जो स्पर्म है वहां से कैरी कौन करेगा, तो वो वास डिफरेंस ही करेगा, और फिर बाहर रिलीज कौन करता है, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होती है। तो आप लोग एक एक टर्म को यहाँ पे समझते चलना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। तो देखिए जो पुरुष के अंदर में यानी कि जो मेल के अंदर में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इसका हो जाएगा। और ये कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, तो टेस्टिस के अंदर में, तो ये भी आप लोग याद रखना। और बाकी देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है या फिर जो एस्ट्रोजन है, तो ये फीमेल की सेक्स हार्मोन्स है जो कि ओवरी के अंदर में इसके प्रोडक्शन होती है, तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। फिर देखिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा मेल सेक्स हार्मोन्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बर्थ कंट्रोल ओवरव्यू का। तो देखिए बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके आजकल अपनाए जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल करने का एक तरीका होता है कि जैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, तो वो चाहे कोई भी मेथड हो जैसे प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट की जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड जो है आजकल अपनाए जाते हैं। तो जिसमें कि जो मेन है इसमें पहला तो है कॉन्डम है, फिर दूसरा देखिए इंटर यूटरिन डिवाइसेस होते हैं जो कि ये इंटरनली जो है ऑर्गन्स के अंदर में इंसर्ट की जाती है जिसके थ्रू जो है बर्थ कंट्रोल प्रिवेंट किया जा सकता है कि स्पर्म को एंटर करने से। फिर तीसरा है बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी यूज़ की जाती है कि जिसके जिसके चलते क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर में जो सेल्स होते हैं तो उसको डेड कर दी जाती है। इसके अलावा एक होता है वैसेक्टोमी। तो देखिए जो वैसेक्टोमी है तो ये एक तरीके से एक पुरुष नसबंदी इसको हिंदी में बोला जाता है, तो इसके अंदर में जो वास डिफरेंस होते हैं मेल के तो उसको कट कर दी जाती है और फिर उसको सील कर दी जाती है। तो इस तरीके से मेल को स्टराइल करने का ये एक तरीका होता है वैसेक्टोमी। तो फिर अगला देखिए, फिर अगला है ट्यूबल लिगेशन है। तो यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस वास वैसेक्टोमी से ही ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था यहाँ पे कि जिसके अंदर में वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी के अंदर में ये जैसे कि एक तरीके से मेल का स्टरलाइजेशन करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर में क्या होता है यहाँ पे वास डिफरेंस को कट करके उसको सील कर दी जाती है। तो यही क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था इसमें कि
कि जो वैसेक्टोमी है ये डिफाइन क्या होता है, ये क्या मतलब बताता है इससे, तो इसका परिभाषा आपको बताना रहता है। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है कि जो मेल का जो वास डिफरेंस होता है उसको सिवर्ट कर दिया जाता है और उसको टाइट, फिर उसके बाद में उसको सील कर दी जाती है, यानी कि पुरुष का जो वास डिफरेंस है उसको पृथक करके उनको एक तरह से बांध दिया जाता है या फिर सील कर दिया जाता है। तो वैसेक्टोमी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से समझना। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से देखिए और भी जो बाकी पोर्सन है बायोलॉजी के, तो हम कवर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।